हेलो, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? मारिया की किचन में आज मैं आलू अंडे बना रही थी, तो सर्दी बहुत ज़्यादा है, बच्चों की फरमाइश पे आलू अंडे और साथ बन रहे हैं पराठे। और सबसे पहले हमें चाहिए था, आज मैंने ग्रीन वाला ऑनियन लिया है, ये ग्रीन वाला ऑनियन लिए हैं, ये तीन लिए हैं मैंने। वाइट पार्ट मैंने लैदा कर लिया और ग्रीन पार्ट ये मैंने कर लिया है। और दो हमें टमाटर लिए हैं, हरी मिर्ची ली है, ये चार अंडे हैं और ये हमने आलू ले लिए। अपने हिसाब से आप लोग आलू ले सकते हैं। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। ये मैंने इसमें ऑयल डाल दिया है और अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं प्याज। इसको गोल्डन होने के लिए हम लोग छोड़ देते हैं। ये देखिए, अब हमारा ये थोड़ा सा गोल्डन हो गया है। अब हम इसमें ऐड करने लगे हैं, ये जो हमने ग्रीन पार्ट रखा था ना इसका, हम वो ऐड कर रहे हैं इसके अंदर। वो मेरे जैसे ऐसे अंडे उंडे बनते हैं, बनाइएगा, मुझे फीडबैक दीजिएगा आपको कैसी लगी। और आप प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा करें। ये हमने टमाटर हरी मिर्चे और ग्रीन पार्ट ऑनियन का डाल दिया है। अब हम इसको भून अच्छे से और अच्छे से इसकी भुनाई करके फिर आपसे मिलते हैं। ये देखिए बस, ये हमारा अब ये देखिए हरी मिर्चें और प्याज हमारा घुलना शुरू हो गया है। अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं थोड़ा सा नमक, अपने हिसाब से आप लोग डाल सकते हैं कम या ज़्यादा आप लोग का भी। हम लोग तो कम ही खाते हैं क्योंकि मेरा बहुत ज़्यादा बीपी हाई हो जाता है, और वैसे भी अंडे हैं इनमें नमक कम ही हो तो अच्छा लगता है। ये देखिए ग्रीन ऑनियन की वजह से ये देखो कितना प्यारा हमारा ना ये कलर आया है। आप भी बनाइएगा फिर मुझे बताइएगा कैसा लगा। और वैसे भी हम लोग अगर वो ग्रीन वाला प्याज डालें ना, डिफरेंट टेस्ट आता है खाने में ना। और थोड़ी सी हमने इसमें दादर मिर्च डाली है, ये देखिए इतनी सी मैंने ली है, ये ऐड कर रही हूँ। और इसमें लाल मिर्च ऐड कर रही हूँ एक चम्मच, और इसमें थोड़ी सी जाएगी हल्दी। ये देखिए इसका मसाला माशाल्लाह से कितना अच्छा सा बन गया। अब मैं थोड़ी देर बाद इसके ये जो मिर्च है थोड़ा सा इसको बनाई करके आलू डालती हूँ इसमें। ये देखें अब हम इसमें आलू ऐड कर दिए हैं। अब आलू ऐड करने के बाद मैं इसको अच्छे से भून रही हूँ। ये देखें इसके मसाला बन गया था, मैंने इसमें आलू ऐड कर दिए हैं। आप इसको अच्छे से अब आप इसको ना भुनाई करें, तो थोड़ा सा बाद में इसमें पानी ऐड करके इसको अब हम कैप लगा के छोड़ देंगे। ये देखिए भी बस, इधर मैंने आटा डाल दिया है मशीन में, अब ये आटा गूंद रही है और साथ ही मेरे ये आलू मटर बन रहे हैं, पानी डाल के रखा हुआ है मैंने, और ये मेरे इधर आटा गूंद रही हूँ, साथ ही मैं रोटियाँ बना लूँगी। ये देखिए भी बस, हमारे आलू अब रेडी हो गए हैं। ये देखिए मैंने इतना आधा ग्लास पानी का डाल के और इसको मैंने अच्छे से टांग के रख दिया है। अब ये माशाल्लाह से अच्छे से गल गए हैं। अब मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ एग। ये फोर मैंने एग लिए थे, ये देखिए मैंने तोड़ लिए हैं। अब ये देखिए मैं इसको माशाल्लाह से ऐसे मैं ऊपर ऐड कर दूंगी उसके ऊपर, ये देखिए ऐसे, और इसको मैं अभी डाल देती हूँ। फिर थोड़ी देर बाद मैं 3 मिनट के बाद इसको कैप उठाऊंगी तो फिर इसको मिक्स कर। ये देखिए व्यूअर्स, हमारे अब मैं इसको मिक्स करने जा रही हूँ माशाल्लाह से। ये देखिए आप भी बनाइएगा, इतने मज़े के बनते हैं ना, मसाले वाले भी होते हैं और ऐसे लग रहा होता है जैसे ना पता नहीं हम लोग क्या खा रहे हैं। और आप अगर मेहमान भी आए ना तो एक डिश ऐसी बना देना, इतनी मज़े की लगेगी ना तो वो उंगलियाँ चाटता रह जाएगा। और ये इतने मसाले वाले बनते हैं ना, ऐसे होता है जैसे चिकन का या मटन का हम लोग ना मसाला खा रहे हैं, माशाल्लाह से बहुत मज़े का बनता है। मैं तो कितनी मरतबा बना चुकी हूँ माशाल्लाह, हमारे घर में इतने शौक से खाते हैं ये, और आप भी बनाएंगे। आप एक मरतबा बनाएंगे ना तो आपको सभी घर वाले कहेंगे आप बार बार बनाएं और हमें दें,
और वैसे भी ये पराठों के साथ बहुत मजे का लगता है। ये देखिए इधर मैंने मशीन में आटा डाला था और मैंने अब निकाल लिया है, मेरा आटा भी गुन गया। अभी मेरी बस ये माशाल्लाह से हांडी भी बनने वाली है। बस ये देखें हमारी ये आलू अंडे बन के रेडी हो चुके हैं। अब हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं गरम मसाला थोड़ा सा। मैंने थोड़ा सा ये देखें हमने गरम मसाला ऐड कर दिया। यानी कि बस अब मैं इसमें धनिया ऐड कर रही हूँ और हरी मिर्च मैंने काटी थी वो मैंने ऐड कर दी। एक्सक्यूज मी गाइस, वो मेरे गले में ना वो हरी मिर्च का चला गया था। वो मैं ये देखिए मैंने धनिया और हरी मिर्च ऐड कर दी हैं। आप मुझे बताइएगा कैसे बना, आप भी बनाइए, मुझे फीडबैक दीजिएगा आपको कैसी लगी। मुझे दुआ में अपने याद रखिएगा, मेरे लिए दुआ कर दीजिए करेगा। बीमार रहती हूँ, बीपी बहुत हाई रहता है मेरा। और लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए। बाय बाय। बंदी नहीं हो रहा।